Scott University, a very warm welcome to the celebration of environmental environment. बहुत से साइंटिस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए साथियों की कार्यप्रणाली और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक सोच इस आधार पर टिकी है कि किसी भी हालत में इंसान तथा अस्तित्व के संबंधों को मजबूत बनाना है और इसलिए एनवायरमेंट फर्स्ट का विजन ही हम सबके लिए नागरिकों के नाते या प्रशासन के नाते उपयुक्त होगा। मुझे याद है 2009 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अवतार। ये पूरी तरह से काल्पनिक फिल्म थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि लैंड डिग्रेडेशन की वजह से मानव सभ्यता दूसरे ग्रहों पर जीवन के अनुकूल वातावरण के खोज में जुट गई। वह कल्पना उस समय एक फिल्म में की गई थी और आज ये हकीकत का रूप ले चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक प्राकृतिक संसाधनों की हो रही क्षति की वजह से दुनिया की लगभग 3 बिलियन आबादी आने वाले भविष्य में प्रभावित होने वाली है। मुझे घटना का स्मरण है, 1962 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, नाम था उसका द साइलेंट स्प्रिंग। उसकी राइटर थी रेचल कार्सन और उन्होंने वह किताब इसलिए लिखी थी कि अचानक उनके शहर में बसंत का मौसम बदल गया था और बगीचों में पक्षी घूमते हुए गाते हुए नहीं बल्कि मरे हुए पाए जाने लगे। उन्होंने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि पेस्टिसाइड के अत्यधिक इस्तेमाल से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है और उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है जो पक्षियों की मौत का प्रमुख कारण बन रहा है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि बिना पक्षियों की आवाज के समाज से जीवंतता गायब हो चुकी है। उस किताब के आने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, वहां अनेक सेमिनार आयोजित किए गए और लोगों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि मानव समाज और इकोलॉजी ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि जीवन को इंटीग्रेटेड रूप में ही देखा जा सकता है। उसे अलग अलग देखे जाने की संभावना बहुत नगण्य होती है और इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अवसर पर जमीन और उससे जुड़े संसाधनों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का संकल्प सबको लेना होगा। अभी जो बच्चा हम सबके सामने कह रहा था उसने ठीक कहा, ये जो परिवर्तन शब्द है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। फर्स्ट चेंज इज ए वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर दैट इज आई। और मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि इस प्रयास में एक एक कड़ी जोड़कर तथा प्रकृति के हर एक तत्व को ध्यान में रखकर लैंड रेस्टोरेशन के अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और उसमें हर एक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। हमारी संस्कृति भी कहती है कि इंसान 5 तत्वों से बना है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु तथा आकाश, और ये सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधों नदियों के बिना मुझे लगता है जीवन की कल्पना असंभव है और इसलिए एनवायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़े हुए एक्टिविस्टों तथा वैज्ञानिक हो या हमारे विद्यार्थी हो, सभी इस बात से सहमत हैं कि बिना संतुलन के इंसान के अस्तित्व के मिटने का खतरा बढ़ता जा रहा है।
यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट चेंज पैनल के मुताबिक अगर अगले 10 साल के भीतर हमने बदलते हुए एनवायरमेंट तथा बायोडायवर्सिटी के नुकसान को रोकने में सफलता नहीं हासिल की तो ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। यानी एनवायरमेंट को हो रहे नुकसान को रिवर्स करना असंभव हो जाएगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि जब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन की मॉनिटरिंग की जा रही है तब से लेकर वर्तमान की स्थिति में फर्क आया है। कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें साइंटिस्ट के ग्रुप ने लिखा था कि अगर सिर्फ 50 साल के आंकड़े पर ध्यान दिया जाए तो पूरे विश्व में जीवों की प्रजातियों में 70% तक की कमी आई है।